अंजना गोपी आपका सिंपली एंड ब्यूटीफुल ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो ये ब्लॉग शुरू करने से पहले सबसे पहले आप कर लीजिए हमारे जगन्नाथ जी के दर्शन। तो आइए पहले दर्शन करते हैं, उसके बाद अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाते हैं। तो दिस इज़ अ रिक्वेस्टेड वीडियो एक्चुअली। मुझे कुछ जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने कहा था कि माता जी आप हमारे साथ आ रही है कि मेरा कुकिंग स्टार्ट हो चुका है। तो मैंने सोचा पहले मैं आप सबसे बात कर लिया किस तरह से मतलब अपने आप को इस तरह से मोटिवेट कर सकें और अपने काम जो हमारे घर की सेवाएं होती हैं उनको कैसे मैनेज करें। मैं आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इस बीच क्या क्या सेवाएं करती हूँ या जो मैं घर की सेवाएं करती हूँ या फिर मैं अपने ठाकुर जी की सेवा करती हूँ जगन्नाथ जी की। तो चलिए अभी फटाफट से रूटीन आगे बढ़ाते हैं, है ना। मॉर्निंग का रूटीन स्टार्ट करते हैं। 6 बज चुके हैं तो मैंने अभी जो है अपनी कुकिंग का सेवा शुरू कर दिया है। और माताओं को तो ये सेवा सुबह सुबह रहता ही है ना कि क्या बनाना है अभी भगवान के लिए क्या बनाए ये सब, तो वही मेरा भी है। तो मैं अभी बस सोच चुकी हूँ, मैं पहले ही सोच लेती हूँ मैंने मुझे क्या बनाना है। मैंने स्टार्ट कर दिया है और अभी आज थोड़ा डबल बनेगा क्योंकि इसी वक्त के घर में हमें प्रसाद भेजना है। मॉर्निंग में ही मेरा ब्रेकफास्ट और लंच रेडी हो जाएगा, ये बहुत अच्छा है क्योंकि इससे मेरा समय भी बचता है, है ना। तो आप भी ये कर सकते हैं कि मॉर्निंग में ही मतलब जो आफ्टरनून के लिए जो भी सब्ज़ी बनानी है या दाल बनानी है वो पहले से ही बना लें। पतल है जो रात को धुले हैं उनको पहले मैं लगा दूँगी और थोड़ा सा किचन को एक बार और वाइपअप कर दूँगी। इसका जो काउंटर टॉप है उसके बाद आऊँगी। हरे कृष्णा राधिका, और आप कैसे हो? आपके बाल कहाँ चले गए? और टीथू कहाँ चले गए आपके? आ जाओ। तो ये बनाया है राधिका और मैंने मिलकर, क्योंकि अभी स्कूल से बच्चे नहीं जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा कुछ क्रिएटिव करते रहते हैं तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है और बच्चों के साथ उनकी मम्मी को भी बहुत अच्छा लगता है। बच्चे खुश होते हैं तो मम्मी तो अपने आप ही खुश हो जाती हैं। तो अभी मैं यहाँ पर ठाकुर जी के किचन में हूँ और आज मैं बना रही हूँ इडली सांभर। इडली मैं रवा इडली बना रही हूँ, सूजी की इडली। तो ये बहुत ही जल्दी रेडी हो जाती है और साथ में कोफ्ता और चपाती। तो इस व्लॉग में मैं कोई भी रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे जो आने वाले व्लॉग्स हैं उसमें मैंने कम से कम एक रेसिपी तो शेयर करी है। तो बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझे मेल भी करते हैं, इवन कमेंट बॉक्स में भी लिखते हैं कि आप प्लीज़ रेसिपी शेयर करा कीजिए तो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो मेरे आने वाले व्लॉग्स में मैं ये पूरा प्रयास करूँगी कि चाहे मैं एक ही रेसिपी शेयर करूँ मैं आपके साथ करूँगी। तो अभी बस राधिका ने ऑफरिंग लगा दिया था और अभी उन्हें उठा भी लिया है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि आज भगवान की थाली में क्या क्या है। तो आपको दिख भी रहा होगा शायद दूर से, चपाती, इडली, सांभर, कोफ्ता और ये है टमाटर और मूंगफली की चटनी। तो बहुत ही डिलीशियस बना था। और इसके बाद मैंने जो बहुत सारी मलाई इकट्ठी हो रखी थी मैंने उसका घी बनाने के लिए मक्खन निकाला है। तो और ये मैं बना रही हूँ काढ़ा, क्योंकि आजकल तो काढ़ा पीना ही पड़ता है, चाहे एक टाइम पिए चाहे दो टाइम पिए। तो मैंने डाला है गुड़ और ये मैंने घर पे ही बनाया है ये काढ़ा। तो अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, तभी मैं आपको इसमें बता दूंगी। तो ये गुड़ के साथ हम इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे, ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, सिर्फ 5 मिनट ही बॉईल करके फिर इसको छोड़ देंगे। तो ये आप पी सकते हैं। तो दूसरी तरफ मैंने चढ़ा दिया है वो मक्खन
और बिल्कुल सिम पे रख दिया है इसको, ताकि ये धीरे धीरे बनता रहे, और इसे बीच बीच में हम हिलाते भी रहेंगे, नहीं तो ये जो पूरा का पूरा जो नीचे मिक्सचर चिपक जाता है तो बहुत ही अच्छा निकलता है। ये मैं बना रही हूँ चीज़ सैंडविच विद वेजिटेबल्स, ये मैंने बनाए हैं ठाकुर जी के लिए और मैंने ऑफरिंग कर लूँगी। ये मैं इतने सारे तोड़ रही हूँ ताकि मैं वो दिखा सकूँ कि चीज़ है, और किसी में समझ में ही नहीं आ रहा था, इतना ज़्यादा मेल्ट हो गया था। और ये राधिका ने कपड़े फैला दिए हैं और सब तरफ करते हैं, बच्चे तो ये सब करते ही हैं। और मैंने एक एक्स्ट्रा सब्ज़ी और बनाई थी क्योंकि एक जगह और पे प्रसादम जाना था, तो मेरे पास करेले रखे थे। तो ये बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल रेसिपी है, वही सरसों का तेल, हींग, जीरा, मैं टमाटर डाल देती हूँ थोड़ा सा एक फ्लेवर के लिए, आप चाहें तो ना भी डालें, और करेला और आलू, आप आलू नहीं भी चाहते हैं तो मत डालिए, और सिंपल करेला जो हींग जीरा के तड़के के साथ भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस ये अभी बन जाएगा और इसको हम ऑफरिंग कर देंगे जगन्नाथ जी को, और इसके बाद बस मेरा जो किचन का सब काम ख़त्म हो जाता है, लगभग 11 बजे तक ख़त्म हो जाता है। फिर मैं अभी मैं यहाँ पर कर रही हूँ थोड़ा सा अपना एडिटिंग का काम, और इसके एडिटिंग के बाद एक मैंने वीडियो अपलोड भी की थी जो अब तक कब की पहुँच चुकी होंगी तो ये रामनवमी के नेक्स्ट डे की वीडियो है, तो मैंने ये रिकॉर्ड करी थी नेक्स्ट डे ही। तो बस इसके बाद हम करते हैं भगवद गीता रीडिंग, आधा घंटा मैं रीडिंग करती हूँ, उसके बाद मैं राधिका को अपने साथ पढ़ने के लिए बिठा लेती हूँ, लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है कि वो नहीं भी पढ़ती हैं, तो मैं उसे फिर उस दिन थोड़ा सा कुछ और वर्क देती हूँ, जैसे रिटर्न वर्क, राइटिंग दे देती हूँ, तो जब उसका अच्छा मूड होता है तब मैं उसे पढ़ा लेती हूँ। तो बस बच्चों को, क्योंकि हम फोर्स भी नहीं कर सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं पढ़ा सकते हैं, और आज इवनिंग में बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई थी तो मैंने इसलिए रिकॉर्ड कर ली, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो बहुत ही ज़्यादा मोटी मोटी बूंदें आ रही थी, तो मुझे तो ऐसा भी लगा था कि शायद ओले भी पड़ेंगे आज, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि गर्मी है ना, तो बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है और बहुत ही हवा, बारिश, और इसके बाद लेकिन धूप निकल गई थी तो, बट लेकिन बहुत अच्छा था। तो चलिए अभी ये व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट फॉर मोर ब्लिसफुल वीडियोस। तो अभी हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, हरे कृष्णा।